नमस्कार उस्ताद गुफ्तगू के सेकेंड एपिसोड में आज हमारे साथ हैं लकी जी गुप्ता और आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं। तकरीबन आज से 10-15 साल पहले इन्होंने अपनी ये यंग यात्रा जो एज एन आर्टिस्ट पूरे भारत में लेकर आए थे, तो उसका ही आज ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रेरणा आपको कैसे मिली और कब आपने सोचा कि जन जन के बीच में जाकर आप अपना इस तरीके का कोई परफॉर्मेंस दे सकते हैं और ऑडियंस उसको इतना अप्रिशिएट करेगी, तो कैसे आपकी शुरुआत हुई? मेरी शुरुआत तो थिएटर के लगभग 2003 में हुई थी। उसके बाद बहुत समय तक लगभग 8-9 साल तक मैं ग्रुप थिएटर से प्रोसीनियम थिएटर से जुड़ा रहा है। और एक दिक्कत मैं महसूस करता था कि वहाँ पर आम लोगों की भागीदारी, आम लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता, तो मुझे लगा कि स्ट्रीट थिएटर ही एक बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग आम लोगों को जोड़ सकते हैं, आम लोगों की समस्याओं को हम दिखा सकते हैं। इसलिए उसी पर काम करना शुरू किया 2010 के आसपास। और इससे पहले मैं एक परफॉर्मेंस करता था, उसको लेकर भी काफ़ी ट्रैवल किया। पर ये कंसेप्ट बच्चों को लेके सोचा पहले कि अगर मुझे लगा कि अगर मैं देश में एक जागृति लाना चाहता हूँ, लोगों में एक अवेयरनेस लाना चाहता हूँ, तो बच्चों से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बड़ों को तो हम कई अलग अलग माध्यम से जोड़ सकते हैं, पर बच्चों को जोड़ने के लिए आपको माँ के चूल्हे के पास फेंक दिए। माँ को बोला जब चूल्हा जलाएगी तेरे को कागज चाहिए होते हैं ना, इससे जला लेना। पर सर अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरह थे। कुछ बोलना ना, तो 2 मिनट के लिए उनका चेहरा देखते रहे। जितने पैसे मांगते हो, जो चीजें मांगते हो, वो सब चीजें लाकर तुम लोगों को देते हैं। तुम लोग इतने बड़े कॉलेज में पढ़ते हो, हमें से कुछ बच्चे क्या करते हैं पिता?